हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। आपको मैं बता चुकी हूँ इसमें 20 चैप्टर्स हैं, जिसका फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी रीडिंग भी कर चुके हैं हम, और आज मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाऊँगी। ओके, तो आपको जो बताती हूँ मैं वो करना है और अच्छे से ध्यान से इसको सुनना भी है। ये हमारा चैप्टर अवर फूड, यानी हमारा खाना, खाना भी बोलते हैं इसको, भोजन भी बोलते हैं। फूड को और क्या बोलते हैं बेटा? भोजन, भोजन। वी कैन नॉट लीव विदाउट फूड। वी यानी क्या होता है बेटा? हम। कैन नॉट लीव यानी नहीं रह सकते, विदाउट फूड यानी फूड के बिना, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लास्ट वीडियो मैंने आपको फूड, ग्रो, स्ट्रॉन्ग, एनर्जी, इन सब की हिंदी मीनिंग बताई थी ना। चलो तो मैं पढ़ाती हूँ आपको। वी यानी हम, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। NEED नीड, नीड यानी ज़रूरत, नीड यानी क्या होता है बेटा? ज़रूरत। वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। फूड गिव्स अस एनर्जी। सॉरी, इस लाइन को फिर से रिपीट कर रही हूँ। वी नीड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी हमें ग्रो करने के लिए, यानी हमें बढ़ने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड, फूड यानी खाना या भोजन। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड यानी खाना, गिव्स यानी हमें देता है एनर्जी, एनर्जी यानी शक्ति, ऊर्जा। टू वर्क एंड प्ले यानी काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें एनर्जी कौन देता है? हमें ये शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से, हमारे फूड से। ओके, चलिए नीचे देखिए। यहाँ पे देखो लिखा है कि टाइम टू डू, यानी अभी आपके करने के लिए कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज है। हियर आर गिवन पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम्स, टिक राइट दोज विच यू लाइक टू ईट। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें दी हुई है, इसमें से जो आपको अच्छी लगती हो उन पे आपको टिक लगाना है। ओके, चलिए तो लगाते हैं। फर्स्ट है पिज़्ज़ा। आपको पसंद है पिज़्ज़ा? आई थिंक आपको पसंद होगा, तो चलिए। पर मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ। आपको पसंद है तो आप यहाँ पे राइट लगा सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो। ओके, नंबर टू, ये है मीट, चिकन। आपको चिकन पसंद है? नो, मुझे भी पसंद नहीं है तो मैंने भी क्रॉस। अगर पसंद है तो आप राइट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। नंबर थ्री है, आई थिंक ये मसाला पापड़ है। तो ये मसाला पापड़ आपको पसंद है? अगर पसंद है तो राइट, मुझे तो पसंद है तो मैंने टिक लगा दिया। नंबर फोर है सैंडविच। क्या आपको पसंद है ये? यस, मुझे पसंद है तो राइट। फिर हैं ये फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। क्या है बेटा ये? फ्रेंच फ्राइज यानी ये पोटैटो की चिप्स होती हैं, चिप्स टाइप में होते हैं, स्टिक्स होती हैं इनकी, और ये है बर्गर। आपको पसंद है ये? अगर है तो आपको राइट लगाना है, नहीं है तो क्रॉस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स नाम याद आते, कुछ याद आया? प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, छोटे बड़े सब, है ना। क्या होता है प्लांट्स यानी? पेड़ पौधे, ये छोटे वाले और ये जैसे ये ऐसे बड़े भी होते हैं, है ना। हमारे स्कूल में भी बहुत हैं, आपने देखे होंगे ग्रीन ग्रीन जो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो हमें पेड़ पौधों से, जो हमें प्लांट से खाना मिलता है वो देखिए कौन कौन सा है। प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? GRAINS, ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी अनाज। क्या बेटा? अनाज। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस यानी होता है दालें, होती है ना मूंग दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, आप लोग भी खाते हो मोगर की दाल। फिर है वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ,
अब ये तो हर कोई जानता है सब्जियों को, तो आप लंच बॉक्स में लेके आते हो ना इनको, वेरी गुड, तो इनकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। एंड फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स यानी फल। फूड्स लाइक सीरियल्स एंड मोस्ट वेजिटेबल्स आर इटन कुक्ड, यानी कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फूड तो हम कच्चा खाते हैं, यानी उनको बिना पकाए बिना सेके खाते हैं, और कुछ होता है जिसको हम पका के खाते हैं, जैसे जो सलाद होता है, क्या उसको पकाते हैं हम? नहीं, ककड़ी को सीधा काट के, टमाटर को सीधा काट के हम खा लेते हैं। नींबू को पका के खाते हैं? नहीं, उसके रस को हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो कुछ को तो ऐसे ही खाते हैं और कुछ को पका के खाते हैं। कुक्ड फूड इज़ टेस्टियर एंड हेल्दियर, देखिए कितना मस्त वर्ड है। कुक्ड फूड, कुक्ड फूड का मतलब होता है कुक यानी पकाना, और कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना। इज़ टेस्टियर यानी मस्त, स्वाद में होता है। एंड हेल्दियर यानी आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट होता है, अच्छा होता है। फिर हैं पीपल हु ईट, पीपल यानी लोग, हु यानी जो, ईट प्लांट फूड्स यानी जो लोग प्लांट से मिलने वाला फूड खाते हैं, जो प्लांटी फूड खाते हैं, आर कॉल्ड यानी उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। ये देखो अच्छे से दिखेगा आपको यहाँ पे, ये रहा वेजिटेरियंस। चलो आप पढ़िए, मैं देखती हूँ इसको। थोड़ा ज़ोर से पढ़िए, वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन एस, वेजिटेरियंस यानी, यानी नहीं पता, यानी शाकाहारी। क्या होता है बेटा? शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधों से मिला हुआ खाना खाते हैं वो होते हैं वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी, यानी जो मीट वगैरह नहीं खाते, एग्स वगैरह नहीं खाते। अगर खाते हैं तो उनका भी अलग नेम होगा, आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी, और जो नहीं खाते उनको बोलते हैं वेजिटेरियंस। ये स्पेलिंग अगर आपको बड़ी लग रही है तो इसको आप छोटे टुकड़े में काट के पढ़ सकते हो, जैसे कि ये वेजिटेरियन हो गया, और ये रेन्स की स्पेलिंग तो आपको आती है ना, रेन यानी बारिश, तो इनको फिर प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो स्पेलिंग बन जाएगी। अब आगे देखिए, ये बॉक्स है, बहुत अच्छा दिख रहा है बॉक्स, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। सम कॉमन सीरियल्स, तो ये जो है कॉमन सीरियल्स हैं, यानी कि जो सबको पता है और सब खाते हैं इसको, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। फर्स्ट है मेज़, मेज़ यानी मक्का, क्या होता है बेटा? मेज़ यानी मक्का, और इसको हम ऐसे कच्चा भी खाते हैं, सेक के तो खाते हैं, लेकिन जब इसको दाने निकालने होते हैं उससे पहले भी खाते हैं ना, बारिश के टाइम में, जिसको हम भुट्टा बोलते हैं ना, कॉर्न, CORN, कॉर्न यानी भुट्टा। तो ये है मेज़ यानी मक्का, सर्दियों में खाते हैं, इसके सोगरे बनाते हैं, बनाते हैं ना, ढोकले भी बनते हैं इसके आटे के, तो इसको सर्दी में यूज़ करते हैं। फिर है राइस, ये भी अच्छे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, पर ये सब है तो चावल ही, राइस यानी चावल, RICE, राइस, राइस यानी चावल। फिर चावल जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, है ना। फिर है वीट, WHEAT, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर से कर रही हूँ, WHEAT, वीट, वीट यानी गेहूँ, जिसकी रोटियाँ आप और हम सब खाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, सम कॉमन वेजिटेबल्स, कॉमन यानी जिसको हर कोई जानता हो, कॉमन क्या होता है? COMMON, कॉमन, कॉमन यानी जिसको हर कोई जानता है। सम कॉमन वेजिटेबल्स, POTATO, पोटेटो, पोटेटो यानी किसी किसी का फेवरेट होगा शायद, पोटेटो यानी आलू, जिसको वेजिटेबल किंग बोलते हैं, यानी सब्जियों का राजा, इसीलिए सबसे फर्स्ट इसका ही नाम आया है ना। तो ये है पोटेटो, जिसकी चिप्स बनती हैं, बनती है ना, जिसके परांठे बनते हैं, तो इसकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। फिर है स्पाइनक, SPINACH, स्पाइनक,
स्पाइनक यानी पालक, ये दिख रहा है ना आपको, पत्ते वाला होता है, जो हरे हरे पत्ते होते हैं इसके, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें खाना चाहिए। बच्चे बोलते हैं मुझे वो नहीं भाता, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं भाए तो भी खाना चाहिए। तो ये पालक होती है ना, पालक पनीर की सब्जी, पालक के परांठे भी होते हैं। फिर है ब्रिंजल, चलिए ब्रिंजल की स्पेलिंग बोलो, आप ही बोलो, देख के ये रही, थोड़ा जोर से, बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैंगन, ये बैंगन इसमें इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये बड़े भी होते हैं लेकिन छोटे भी होते हैं, तो आप छोटा देख के ये मत बोलना कि ये ब्रिंजल नहीं है, वो भी ब्रिंजल है और ये भी ब्रिंजल है, ओके। फिर है टैरो, टी ए आर ओ, टैरो, शायद आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपने इसको देखा नहीं होगा आई थिंक। ये अदरक के जैसी एक सब्जी होती है, जो आप कभी मार्केट में जाओगे तो आपको दिखेगी, जिसके ऊपर सर्कल 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 डिज़ाइन होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अरबी। क्या बोलते हैं बेटा? अरबी। आपकी मम्मी से पूछिएगा अरबी क्या होती है, जो अदरक के जैसी होती है, जिसके भजिए भी बनते हैं, है ना। तो आपको मैंने ये सब पढ़ाया, हो सके तो इस वीडियो को अच्छे से ना देख पाए हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपका होमवर्क, और आगे वाला जो है ये फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये देखिए आपके, और ये भी आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्क दिया था, स्पेलिंग्स दी थी लर्न करने के लिए, आई थिंक आपने कर ली होगी। क्या क्या थी एक बार नज़र डाल दो, फूड स्ट्रॉन्ग ग्रो एनर्जी ब्रेकफास्ट लंच डिनर और आफ्टरनून। आज है हमारा होमवर्क ये, जो उसी के आपको नीचे करना है, जस्ट नीचे। अगर नीचे नहीं कर पाओ या फिर जगह नहीं है तो न्यू पेज ले सकते हो। देखिए क्या क्या है, एम ए आई जेड ई, मेज यानी मक्का, आर आई सी ई राइस यानी चावल, डब्ल्यू एच ई ए टी वीट यानी गेहूँ, पी ओ टी ए टी ओ पोटेटो यानी आलू, एस पी आई एन ए सी एच स्पाइनक यानी पालक, बी आर आई एन जे एल ब्रिंजल यानी बैंगन, टी आर ओ टैरो यानी अरबी, वी जी टी ए आर आई एन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना, और ग्रेन्स यानी अनाज। तो अब ये बात ध्यान से सुनिए कि आपने ये स्पेलिंग लिख तो ली होगी, मुझे पक्का पता है, और अगर नहीं भी लिखी है तो आप लिख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको लर्न कब करोगे उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। लर्न तो करोगे तभी काम होगा ना, सिर्फ लिखोगे तो वो नोटबुक में रह जाएगी, जब मैं आपसे पूछूंगी या टेस्ट होगा तब तो ये नोटबुक आपके पास नहीं रहेगी, तो आपको ये लर्न भी होना चाहिए, और आपको ये अच्छी राइटिंग में करना है, एकदम साफ़ सुथरा, आपकी नोटबुक को भी साफ़ सुथरा रखना है, उसको फाड़ना नहीं है। आप जब स्कूल में आओ तो हमें एकदम न्यू नोटबुक दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि घर पे मैम फट गई, है ना, और उस पर कवर स्टिकर सब होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।